मान लीजिए आप स्कूल जाते हैं, तो स्कूल में जो आपके विभिन्न सब्जेक्ट के पीरियड होते हैं उन्हें हम लोग 35 मिनट या 40 मिनट के रेशियो में डिवाइड करके और फिर उसके बाद जो है हम उसका मेजरमेंट करते हैं। तो वहां पर हमारा जो स्केल होगा वह मिनट में है। फिर हम कहीं काम करने जाते हैं तो उस काम को हम लोग आवर्स में यानी कि घंटों में मेजर करते हैं। इसी तरीके से जब हमें डिस्टेंस का मेजरमेंट करना होता है तो वो डिस्टेंस छोटी होगी तो हम सेंटीमीटर का स्केल लेते हैं, डिस्टेंस बड़ी होगी तो हम मीटर का स्केल लेते हैं, और बड़ी डिस्टेंस होगी तो हम किलोमीटर का स्केल लेते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि यहां से लेकर और हमें सूर्य की दूरी नापनी है या किसी तारे की दूरी नापनी है या हमें बहुत लंबी दूरियां नापनी है जो कि यूनिवर्स में कहीं भी हो, तो उसके लिए हम कौन से मात्रक प्रयोग करेंगे? वहां सेंटीमीटर से हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, मीटर से मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, किलोमीटर से मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हम कुछ बड़े मात्रकों का प्रयोग करते हैं। तो उनका इंट्रोडक्शन इस तरीके से है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसे हम शॉर्ट में AU कहते हैं, लाइट ईयर जिसे हम LY कहते हैं, और पारसेक, इनको हम हिंदी में खगोलीय मात्रक, प्रकाश वर्ष और पारसेक ही कहते हैं। एक एक करके मैं इन यूनिट्स का आपको परिभाषा बताने वाला हूं और इनके बारे में समझाने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, खगोलीय दूरी। बहुत इजी है, हमने सूर्य और पृथ्वी को मानक मानते हुए, यानी कि जो सूर्य है और जो पृथ्वी है उसको मानक मानते हुए उन दोनों के बीच की जो दूरी है उस दूरी को हमने खगोलीय दूरी कहा। लेकिन इसमें एक समस्या है, हम जानते हैं कि जो पृथ्वी है और सूर्य है उन दोनों के बीच की जो दूरी है वह बदलती रहती है, यानी कि कभी वह कम होती है और कभी ज्यादा होती है। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हम क्या कहते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को, औसत हमने जो दूरियां थी उनका औसत ले लिया, जो कभी कम कभी ज्यादा थी उसको हमने क्या कर लिया, औसत ले लिया। तो कुल मिलाकर जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, खगोलीय दूरी है, उसको हम कहते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को एक खगोलीय दूरी कहते हैं और इसे हम खगोलीय मात्रा कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है वह 1.496 × 10⁻¹⁰ मीटर, जिसे हमने शॉर्ट किया, यहां देखिए 496 को हमने 1.5, यहां हमने बदल दिया एक मान, × 10⁻¹⁰ मीटर के बराबर है। तो इस मात्रक का प्रयोग हम जो बड़ी दूरियां होती हैं उनको मापने के लिए प्रयोग करते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई तारा है, उस तारे की दूरी 2 खगोलीय दूरी के बराबर, यानी कि वह पृथ्वी से, सूर्य से दुगनी दूरी पर है, या हम कहें 5 खगोलीय दूरी के बराबर। इसका अर्थ ये हुआ कि उस तारे और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वह सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी के 5 गुने के बराबर है। लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष, इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा। प्रकाश वर्ष से ऐसा लगता है कि जैसे प्रकाश के बारे में बात हो रही है, और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनमें ये अक्सर पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो जो प्रकाश वर्ष है यह दूरी का मात्रक है। इसमें हम परिभाषा इस तरीके से बनाते हैं, बहुत इजी है। देखिए उसके शब्द में छुपा हुआ प्रकाश वर्ष, प्रकाश और वर्ष, तो हम कहते हैं कि प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। फिर से सुनिए, प्रकाश द्वारा वैक्यूम या वायु, यानी कि निर्वात या वायु में एक वर्ष में चली गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब हमें प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी ज्ञात करनी है। ये फॉर्मूला हमने कक्षा 7वीं या 8वीं से पढ़ा है, दूरी बराबर चाल गुणा गया समय। चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, समय एक वर्ष में
365 दिन, यानी कि 365 इंटू एक दिन में 24 घंटे तो 24, फिर एक घंटे में 60 मिनट तो 60, और फिर एक मिनट में 60 सेकंड। तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए, जो भी वैल्यू आएगी वह एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू होगी। ये वैल्यू लगभग 10^15 मीटर के ऑर्डर में आएगी। लगभग ये जो वैल्यू आई थी इस वैल्यू के 10,000 गुना ज्यादा आएगी। जो एग्जिट वैल्यू होती है वह 9.46 इंटू 10^15। आप ज्यादा ये वैल्यू याद नहीं भी रख सकते हैं, ये पीछे की वैल्यूज याद रखें। तो वन लाइट ईयर की जो वैल्यू होती है वह 9.46 इंटू 10^15 मीटर ऑर्डर की होती है। अब बात करते हैं पारसेक की। पारसेक जो मात्रक है वह थोड़ा सा अभी आपको समझ नहीं भी आ सकता है। यहां पर एक पैरालेक्स मेथड है, जो दूरियां होती हैं, लंबी दूरियां होती हैं, उनको ज्ञात करने का। तो जब मैं वो पढ़ा लूंगा उसके बाद आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। यहां देखिए, जो ये डिस्टेंस है इसे हम रखते हैं 1 AU, यानी कि जो आर्क है वो आर्क हम ले रहे हैं एक खगोलीय दूरी के बराबर, जिसका लगभग मान है 10^11 मीटर। और ये उस टाइम पर जो भी रेडियस होगी, और यहां पर कोई तारा है, उस तारे के केंद्र पर जो कोण बन रहा है वह एक सेकेंड का बन रहा है। ये सेकेंड लिखने का तरीका होता है, अगर ऐसा लिखा जाता है तो ये मिनट होता है, और अगर डबल लिखा है तो यह एक सेकेंड होता है। कोण को हम लोग मिनट सेकेंड में भी एक्सप्रेस करते हैं। तो हम कहते हैं, इसकी परिभाषा इस तरीके से दी जाती है कि एक खगोलीय दूरी के आर्क द्वारा किसी तारे के केंद्र पर एक सेकेंड का कोण अंतरित करने में जितनी दूरी होती है, यानी किस किस के बीच में, तारे से लेकर उस आर्क तक की जो दूरी होती है या जो त्रिज्या होती है उसे पारसेक कहते हैं। जो पारसेक की वैल्यू है वह लगभग 10^16 मीटर ऑर्डर की आती है। तो आप देखिए, जो लाइट ईयर था वो लगभग 10^15 मीटर ऑर्डर का था, और पारसेक 10^16। तो पारसेक जो है लाइट ईयर से 10 गुना बड़ा मात्रक है। तो कल हम आगे इस चैप्टर के बचे हुए टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। तब तक आप इनसे संबंधित नोट्स बनाइए। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे इनबॉक्स कीजिए। धन्यवाद।